नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। तो चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरों से। शनिवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला नेवी अफसर के अपहरण के बाद जिंदा जला देने का है। पालघर के पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सूरज दुबे नाम के नौसैनिक अधिकारी का चेन्नई एयरपोर्ट के पास अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद नौसेना अधिकारी से 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न देने पर अफसर को जंगल में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलसे अधिकारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। पालघर पुलिस के मुताबिक नौसेना अधिकारी की पहचान सूरज कुमार दुबे 27 वर्ष के रूप में हुई, जो झारखंड के रांची के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार सूरज कुमार दुबे को बदमाशों ने रिवाल्वर के बल पर चेन्नई एयरपोर्ट के करीब से एक कार में अगवा कर लिया था। 3 दिनों तक चेन्नई में एक अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा गया। बदमाशों ने नौसेना अधिकारी से 10 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने सूरज कुमार को पालघर के डहाड़ू तलासरी के वेबजी इलाके में स्थित जंगल में ले जाकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। परिवार वालों को सूरज दुबे मर्डर केस में नेवी के ही एक अन्य कर्मचारी पर पैसे की लेन देन के आरोप में मारने का आरोप है। महाराष्ट्र के पालघर की भूमि पर पुनः एक बार देश की रक्षा करने वाले जवान को निर्ममता से, बर्बरता से, क्रूरता के साथ मार दिया गया। यह वही भूमि है जहां पर 10 महीने पूर्व हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों को पीट पीट कर बर्बरता के साथ उन्हें मार दिया गया था। अभी भी समूचा देश, साधु समाज महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। वह मामला सीबीआई को सौंपे। बहरी सरकार संतों की, साधु की बात नहीं सुनती। कानून और व्यवस्था की धज्जियां महाराष्ट्र में उड़ चुकी है। ना यहां साधु संत सुरक्षित है, ना अपनी प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा करने वाले हमारे जवान सुरक्षित है। कब न्याय मिलेगा साधु संतों को? जिस जवान ने अपने प्राण खोए हैं, उसे निर्ममता से मारा गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को उन्हें न्याय देना होगा। एक मिनट, हाँ चलो। आपका नाम क्या है और ये जो पूरा मामला हुआ है आपके पास बेटे के साथ जो हादसा हुआ है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? मेरा नाम मिथिलेश कुमार दुबे हुआ। मेरे बेटे के अपहरण कर लिया गया और अपहरण करने का शक मुझे उसी यूनिट के एक धर्मेंद्र नाम का लड़का है, जो सूरज के मोबाइल पर 13 बार व्हाट्सएप चैट के द्वारा बातचीत किया है सूरज को दोस्ती में लेकर के, और सूरज के कब कहाँ हैं उस पल पल की जानकारी लेकर के वो आदमी को लगा दिया। और वहीं चेन्नई एयरपोर्ट से मेरा लड़का उतरा, इसके बाद वो किडनैप करा लिया है। और चेन्नई में जाने के बाद हैदराबाद में बात हुई थी मेरे अपने लड़के से, वही खुद फोन लगा के बोला कि पापा मैं हैदराबाद आ गया हूँ। अब हम पूछे कि खाना वाना खाया बेटा, तो हाँ खाना खा लिया हूँ। इसके बाद हमारा वो बोला चेन्नई एयरपोर्ट पर ही बने अगला फ्लाइट है, हैदराबाद से चेन्नई चले जाएंगे और चेन्नई से फिर रात में ट्रेन है कोयम्बटूर जाने के लिए। तो मेरा बेटा जब समय टाइमिंग के अनुसार 8:30 कोयम्बटूर का दिखा रहा था, 8:30 और 9 के बीच नहीं पहुंचा, तो हमने फोन लगाया। अक्सर वो पहुंच करके फोन कर देता था कि मैं पापा पहुंच गया हूं, ताकि गार्डियन आश्वस्त हो जाए जी। लेकिन जब नहीं फोन किया तो घंटे घंटा फिर हम फोन करने लगे, लेकिन फोन तो उसका डेड बता रहा है। अच्छा, 3 बजे तक फोन नहीं आया, 4 बजे तक फोन उधर से लग ही नहीं रहा है। फोन हमेशा हम लगाते, माँ लगाती, भाई लगाता, फोन डेड नॉट रिचेबल बता रहा था, नॉट रिचेबल, नॉट रिचेबल,
स्विच ऑफ डेड था जी, वो सिम निकाला हुआ था। अच्छा, तो हमने हेडक्वार्टर के नंबर लिया, वहां से हमको एक आदमी हेडक्वार्टर का नंबर दिया, मेरा भतीजा भी दूसरे जगह पोस्टेड है नेवी में, वो नंबर उपलब्ध करा के हमको दिया और वो बोला कि आप वो अफसर से पूछिए कि यूनिट में पहुंचा कि नहीं। तो हमसे बात हुई उनकी और हम सारा बात बताए कि देखिए वो लड़का यहां से 30 तारीख के ये सुबह निकला है और रांची से फ्लाइट पकड़ा है चेन्नई जाने के लिए, हैदराबाद होकर के फिर चेन्नई, दो बार, एक बार बदलना था उसको फ्लाइट, और टाइमिंग के अनुसार आपके पास 9 बजे तक कैंप में पहुंच जाना चाहिए था। तो जो अफसर है अशोक राय, उन्होंने बताया कि उस देख करके कि पता करके कि उसका टाइमिंग 1 तारीख के था, 31 का रिपोर्टिंग करना नहीं था। हमको बोले कि हो सकता है चेन्नई में उसका कोई दोस्त हो, इस आप घबरा क्यों गए इतना, उसका रिपोर्टिंग 1 तारीख के डेट में है इसलिए रुक गया होगा कि रात भर क्या जर्नी करें, 1 की रिपोर्ट करना है तो अगले दिन चले जाएंगे। 1 तारीख के भी नहीं पहुंचा और हमको तो उसी समय शंका हो गया जब फोन डेट बता रहा है, फोन लुटा जाता ठीक है जर्नी में जी। तो कैंप वाले तो बता देते कि यहाँ आ गया मेरा बेटा, वहां पहुंचवे नहीं किया उसको, तो उसी बीच रास्ते से हटा उठा लिया गया। यहाँ पालघर पुलिस जब कल फोन किया है तो वो बताए पुलिस कि आपका बेटा को वहां से वहां 3 दिन चेन्नई में रखे हैं अपहरण करके और 3 दिन के बाद यहां लाए हैं और यहां पर जंगल में ला करके बांध करके और पेट्रोल छिड़क करके जो आपका बेटा बताया आग लगा दिया है और वो लोग जान से मार के चला गया। मेरा बेटा उस स्थिति में किसी तरह अपना शक्ति संचय करके जंगल से 3 किलोमीटर चल के गांव में आया है तो ग्रामीण पुलिस को सूचना दिए हैं जी। और इसके बाद फिर पुलिस हमारे घर पर और नंबर बताया घर माँ का कि सर माँ का ये नंबर है फोन कर दीजिए, जानकारी हो जाएगा। हमने हर जगह गुहार लगाया, चैनपुर थाना में कि FIR कर दीजिए अपहरण का, मेरा बेटा का अपहरण हो गया। चैनपुर पुलिस नहीं सुनी, कहा कि आपका बेटा चेन्नई में गुम हुआ है, वहां से अपहरण हुआ है, वहां जाके अपहरण का केस दर्ज कराइए FIR। वहां पर हम दामाद को भेजे, वहां भी FIR नहीं लिया गया। वहां चेन्नई पुलिस कह रही है कि चैनपुर थाना आपका लोकल पड़ रहा है, घर से चला है, आपका बेटा गुम हो गया, अपहरण हो गया, तो चैनपुर थाना में आप कराइए। वहां से यहां, यहां से वहां होते रहा। हमने SP के पास गुहार लगाया, BD राम के पास, रक्षा मंत्रालय के पास, उनसे अति गुहार लगाए, लेकिन ये करते हुए नेवी अफसर को हम सारा जानकारी दिए कि मेरे बेटे को कम से कम कहाँ है, आप चेन्नई पुलिस को कहिएगा तो आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, मेरा बेटा को खोजवाइए। तो कह रहे हैं अशोक राय, जब धर्मेंद्र के बारे में सारा जानकारी उनको हम दे दिए थे तो उन्होंने रुख बदल दिया, बोल रहे हैं कि आपका बेटा भगोड़ा है, वो छुपते फिर रहा है। हम बोले कि क्या अति गलत कर दिया, 2 दिन पहले आप बोले कि रुक गया होगा, आप क्यों घबरा रहे हो, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा बेटा को अब हम भगोड़ा घोषित कर दिए और उसके ऊपर अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करके 28 दिन के बाद उसको निकाल देंगे। कल विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के DB टीम PSI राजपूत नाम के टीम ने 2 बाल गुनेगार को रंगे हाथ पकड़ा है। उनके पास एक एक्टिवा गाड़ी मिली थी, उनके पास ज्यादा अधिक तहकीकात करने के बाद उन्होंने 4 जगह गाड़ी चोरी किया हुआ गाड़ी जब्त किया है और
आगे की तहकीकत चालू। इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया सर? उनको गिरफ्तार यही अपना 4 नंबर से किया गया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरह चोरी करते थे मार्केट में? मार्केट में जहाँ गाड़ी मिलता है वहाँ से कुछ डुप्लीकेट चाबी या डायरेक्ट करके ये लोग गाड़ी चुराते हैं। गाड़ी चुराने के बाद ये लोग कहाँ बेचते हैं या किसको देते हैं या खाली जॉयराइड करके छोड़ते हैं, ये हमारा अभी तहकीकत चालू है। सर, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? नहीं, ये रेड हैंड पकड़े गए। हमारे डीबी टीम ने नाकाबंदी लगाई थी, नाकाबंदी के दौरान इन लोगों को डाउट आया हमको, तो डाउट के हिसाब से इनके पास तहकीकात की, इनके पास कोई गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो हिसाब से ये मालूमात मिली थी। नवीन वर्षाच्या नवीन वर्षामध्ये नाही, आता पहिले 5 गाड्या